रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर। जी हाँ, यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी के मजबूत नए अंदाज के साथ और बेशुमार डिजाइन के साथ 40,000 रुपयों से वेडिंग सेट अवेलेबल है। सोफा, पलंग, अलमारी, डिजाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल और कई डिजाइन के कुर्सियाँ, जरूरत के मुताबिक हर किस्म का फर्नीचर दस्तियाब है। भारत फर्नीचर, अपोजिट शिवा मंदिर, पटेल रोड, रायचूर। आदाब नाजरीन, एवन टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, सारी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर, शहर दा शहर, हर एक शहर में उसका कहर जारी हो गया है। हिंदुस्तान में भी वो अपने कदम पूरी तरह से मजबूत कर रहा है। ख़ासकर हम आज रायचूर शहर के वार्ड नंबर 15 झानिया मोहल्ले में मौजूद हैं। यहाँ के जो नौजवान कायद है, हाल ही में जो काउंसलर बन के आए, जे साजिद समीर हमारे बीच मौजूद है। और आज वार्ड नंबर 15 झानिया मोहल्ले में कई गरीब लोगों को और जो ज़रूरतमंद हैं लॉकडाउन के दौरान, उनको जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो अपने घर से मुहैया करा रहे हैं। ख़ास तौर पर ये यहाँ से ही शुरू हुआ है कि लोगों की इमदाद करना, और कई संघ समिति वाले भी कर रहे हैं, मगर इनके वार्ड को छोड़ के दूसरे वार्ड से भी लोग इनके पास इमदाद के लिए आ रहे हैं। मैं जे साजिद समीर साहब से पूछना चाहूँगा, क्या ये सिर्फ आप अपने वार्ड के हद तक करें, क्या कई वार्ड से भी दूसरे लोग भी आपके पास आए इस इमदाद के लिए? नहीं, मैं तो जो है ना वार्ड बोल के कभी भी काम नहीं करे। अल्लाह ताला मेरे को जो भी नवाजा है, मैं हर किसी को मदद करा हूँ। आज जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है अपने वार्ड के लिए, खासकर कि मैं इस वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो इसके लिए मैं जो है ना वार्ड के लोगों के जो भी तकलीफ है, बिला मजहब व मिल्लत घरे घर जाके उनको जो है ना एक 12 से 15 दिन का पैकेज मुहैया करा रहा हूँ। इसके साथ साथ शहर भर में भी लोग परेशान हैं, जो लोग भी अपने अपने मुख्तलिफ एरिए से आ रहे हैं मेरे पास, मेरे से जो होती उनके लिए भी वही मदद कर रहा हूँ। तकरीबन अब तक कितने लोग आए? अब मेरे एरिया में अब तक जो है ना घरे घर एक 300 घरों को पहुंचाया हूं, और बाहर के मेरा एक करीब करीब 1,000 फैमिलियों का टारगेट है। अगर आप पूरे रायचूर से बोले तो फिर आपके घर के पास लाइन लगना चालू हो जाती है, इसलिए कि लॉकडाउन के टाइम कई लोग परेशान हैं। आम आदमी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी करता वो तो भी रह सकता, इसी हाल में रह सकता, मगर जो दूर दराज से आए हैं, गांव से जो रोज़ाना के काम करते थे, वैसे लोगों को बहुत दिक्कत होती, वो लोगों का भी आपके पास हुजूम आना चालू हो जाएगा। नहीं, मैं जो भी आए अल्लाह की मर्ज़ी है, मेरे से जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगा हर लोगों को देने की, चाहे बाकी अल्लाह की मर्ज़ी हो। जब आए कोई भी हो, बाहर का हो, लोकल का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं कोई नहीं देखूंगा, ना एरिया देखूंगा, ना गांव देखूंगा। मेरे पास जो आया, अल्लाह मेरे को जितनी खुद दिया, मैं बराबर हर एक की मदद करूंगा। तो ये किट है उसका? जी, ये एक किट में क्या क्या है? एक किट में चावल है, आटा है, तेल है, मिर्ची है, नमक है, जीरा है, इमली है, जो एक फैमिली के लिए कम से कम एक हफ्ता चल सके उतना एक पैकेज बनाया हूँ मैं, वो हर किसी को दे रहा हूँ। मगर अब लॉकडाउन के दौरान हर दुकाना बंद है, कई एक मॉल बंद है, स्टॉक्स बंद है, तो फिर इससे आपको दिक्कत भी हो रही होंगी। हाँ, कुछ सामान मिलने के लिए दिक्कत हो रही है, फिर भी गंज में जो है ना हर चीज़ मुहैया नहीं है, जो भी मिल रही, जहाँ भी मिल रही, वो लोग भी हमारे को कोऑपरेट कर रहे, कम से कम होल सेल रेट में दे रहे। पुलिस वाले भी बहुत टाइट, हाँ वो लोग भी जो है ना काम वालिया रुका रहे, लेकिन वो लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, ऐसे काम गुजारे बोले तो हमारी गाड़ी को बराबर पास होने दे रहे, बराबर जो है ना पुलिस वाले अच्छा काम करे बोल के कोऑपरेट कर रहे, ऐसा नहीं कि हमारे को रुका रहे, बराबर पूछ रहे कहाँ जा रहे बोल के, नहीं ऐसा ऐसा है बोले तो बराबर वो लोग छोड़ रहे, और बहुत अच्छा काम कर रहे बोल के वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे। हाल में एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को आई कि आपके पास कोई मेहमान आए थे या कोई आए थे दूसरे स्टेट से, तो आप उनका भी चेकअप के लिए अपने कार में ले जाके चेकअप कराए थे। एक सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो आ रहा था,
उसके ताल्लुक से भी आप कुछ बोलेंगे? जी, मेरे पास नहीं आए थे मेहमान, मोहल्ले में एक एंगेजमेंट है बोल के हैदराबाद से आए थे। मेरे को मालूम हुआ गुलबर्ग से आए बोल के, फिर वो मालूम करा था ना हैदराबाद से आए बोले, कुछ भी होंदे बोल के। फिर कमिश्नर वो लोग सब जने आए थे एरिया के हिसाब से, आज के हालात सही नहीं है बोल के। फिर मैं भी वो लोगों के पास गया, वो लोग कुछ डरे भी थे कि अचानक 8-10 आदमी आके क्या क्या पूछे। तो बोला नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद साथ आता हूँ, पहले मैं खुद चेकअप कराता हूँ उसके बाद आप लोग कराओ बोल के। मैं अपने साथ उनको लेके जाके मैं अपना खुद चेकअप करा के फिर वो लोगों को लाके चेकअप करा के उनके मकान को छोड़ा। एरिया में यहाँ चेकअप सेंटर है क्या कहीं? जी नहीं, बस स्टैंड के पास है, बस स्टैंड के पास बुला लेके जाके मैं करा लेके आया। मगर बाद लोग जो दूर से आ रहे कई घरों में है, मगर आपको ऐसा चेकअप कराने भी डरा रहे, उनके डर रहे, उनके लिए आपकी कुछ राय है? नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, अवेयरनेस जरूरी है कि आगे कुछ हादसा ना हो, इसके लिए बिना डरे जाके चेकअप करा सकते। अगर कुछ भी नहीं है फिर भी अल्लाह ना करे कुछ हो तो हम कंट्रोल कर सकते, ऐसा नहीं है कि रायचूर में जो है ना माहौल खराब है, आज तक कोई ऐसी लंबी बीमारी हुई आदमी परेशान नहीं हुआ है, लेकिन ये माहौल के हिसाब से डर है लोगों में, डरने की कोई नहीं, बात नहीं। क्या डर रहे, अगर मैं जाकर चेकअप करा कहा तो मेरे 8-10 दिन प्रोसेशन में इसी रखेंगे उनको। बस लोग शायद मेरे ख्याल से घरों में रखो, दूसरे जगह से आए वाले करा रहे नहीं, जिसकी एक अच्छी मिसाल देखने में सोशल मीडिया के जरिए कि आप खुद ले जाके उनको चेकअप करा ले कराए। ऐसे भी आप लोगों को कुछ जो घरों में है उनके वास्ते नहीं, नहीं, वही बोला ना, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई अछूत बीमारी नहीं है, ये एक वायरस है जो कहीं से भी आ सकता, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, और ये कोई जो है ना ऐसी सीरियस बीमारी नहीं है जो इंसान मरता है बोल के, क्या है इसका इलाज नहीं है तो लोगों में डरा हुआ है, उससे उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और एक चीज भी, आप हाल ही में जो जो चीज तकसीम कर रहे थे उसमें ये भी देखने को अच्छी दिखी कि आप दूरी भी मेंटेन कर रहे थे, कई अपने लोगों को मास्क का भी इंतजाम कर रहे थे, आज भी शायद उसका शाम में जो पैकेटिंग बन रहे हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी आज इसको मेंटेन करेंगे आप शायद? नहीं, जरूरी है क्योंकि आज का माहौल जो है ना, हर आदमी बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ये कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये बीमारी का एक ही इलाज है कि डिस्टेंस मेंटेन करो और हमेशा जो है ना सैनिटाइजर वो यूज करो, हमेशा हाथ धो, तो वो जरूरी है, उसको लागू हमारे पे भी होता है, ऐसा नहीं है कि लोगों पे, लोगों में हम भी है, हमारे को भी कुछ हुआ तो हमारे थ्रू भी 4 लोगों परेशान हो सकते, इसके लिए जरूरी है वो चीज मेंटेन करना। और नौजवान आपके जो वार्ड के हैं उनके लिए आप कुछ कहना? मैं उनसे भी यही सलाह मशवरा दे रहा हूँ, गैर जरूरी बाहर ना फिरे, खाली पीली पुलिस डिपार्टमेंट को परेशान ना करे, घरों में रहे अच्छा रहता, हर बीमारियों से बचे, साफ सुथरे रहे, बच्चों को जो है ना घर के बाहर ना छोड़े। ठीक है, शुक्रिया। ये थे नौजवान खायद जे साजिद समीर, वार्ड नंबर 15 जानिया मोहल्ले के काउंसलर। मैं आपका मेजबान एंकर इंडियन भाषा ATV उर्दू में। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरी।